કેમ છો બધા? મજામાં? સો ગાઈઝ, કાફી દિનો કે બાદ વ્લોગ કરા હૈ, આઈ નો, ક્યુંકિ સેમેસ્ટર એન્ડ ચલ રહા હૈ તો કાફી અસાઇનમેન્ટ ઓર એક્ઝામ મેં હમ થે. ઓર મેં આજ કુછ નયા ટ્રાય કર રહા હું કિ લાઇફસ્ટાઇલ મેં એક્સપ્લોર કર રહા હું સ્ટુડન્ટ્સ કી ડિફરન્ટ કન્ટ્રી મેં. સો આજ મેં ઉસી લાઇફસ્ટાઇલ કે બીચ મેં એક બંદે કો લાયા હું જો અભી ફિલહાલ લંડન મેં હૈ. સો ઉસકી લાઇફસ્ટાઇલ હમ एक्सप्लोर करते, लर्न करते, भाई बंदे ने क्या क्या एक स्ट्रगल कर किया है यूके में, लंदन में. सो गाइस, करते हैं वीडियो स्टार्ट और करते हैं क्वेश्चन स्टार्ट बंदे को कि क्या क्या सीन है वहाँ पे यूके में. सो वंस अगेन थैंक यू फॉर जॉइनिंग द कन्वर्जेशन. और सबसे पहले अपना इंट्रोडक्शन दे दो मेरे को. हाय वीक, थैंक यू. First of all, my name is Vansila Jodia, and मैं UK में आया था around July end तक. मैं 6 months around हो गए हैं मेरे यहाँ पे. और यहाँ पे मैं master करने आया हूँ, मेरा master in sustainable business management in Bedfordshire University, and मेरा around 1 year का course है यहाँ पे. Okay, so आप कौन से city में रहते हो London में, और उसके बारे में मेरे को बताओ कुछ. मैं लंदन में वेम्बली में रहता हूँ. बेसिकली ये जोन 4 में आता है. लंदन काफी सारे जोन में डिवाइडेड है, जोन 1 से 10 तक शायद. और मेरा जोन 4 में आता है, और मैं वेम्बली में रह रहा हूँ. पर मेरे को लग ही नहीं रहा है कि मैं लंदन में रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे काफी सारा गुजराती पब्लिक है, काफी ज्यादा. मतलब स्टोर देखो तो गुजराती वाले का, पब्लिक देखो तो पूरे गुजराती, मतलब पूरा ही गुजराती, हिंदुस्तानी लोग ही भरे पड़े हैं यहाँ पे वेम्बली में. सो आपको ऐसा लगेगा भाई कि एक्सेप्टली आपको सब काफी अच्छे मिलते हैं, लाइक स्टोर वाइज इंडियन फूड तो अच्छे से मिल जाता है वहाँ पे. इंडियन फूड तो भाई गली गली में, मतलब तेरे को वड़ा पाव खाने वड़ा पाव मिल जाएगा, दाबेली खाने दाबेली मिल जाएगी, इवन अब तो आलू पूरी भी मिलने लगी है जो सूरत की फेमस है, और मैं सूरत से हूँ तो मिल जाता है. लोचा, खमन, फाफड़ा, जलेबी, जो भी चाहिए वो सब, मिठाया विठाया सब मिल जाती है यहाँ पे. ओके, सो अफोर्डेबल होता है फास्ट फूड वहाँ पे भी? हाँ, देखते इस तरह से देखना जाए तो यहाँ अफोर्डेबल ही होता है, क्योंकि हमारे इंडिया में 10 या 20 रुपए के वड़ा पाव मिलता है, यहाँ पे 1 pound का भी वड़ा पाव मिलता है, जो कुछ ठीक है, 1 से 2 pound में वड़ा पाव मिल जाता है यहाँ पे. तो कितने स्टूडेंट्स आते हैं लंदन में पर सेमेस्टर पर इंटेक? वेल, लंदन का तो पता नहीं, बट इस सितंबर इंटेक में पूरे यूके में अराउंड 5 lakh के अराउंड स्टूडेंट्स आए हैं. आई थिंक वो सब काफी ज्यादा अमाउंट है शायद से. बेसिकली या इस इंटेक में 5 lakh आए हैं, बट पूरे साल में अगर देखा जाए तो 15 lakh के अराउंड बंदे आ चुके हैं सिर्फ स्टूडेंट का ले. बाकी और आंकड़े तो नहीं मालूम मेरे को परफेक्ट. ओके, सो स्टूडेंट्स का नंबर काफी हाई यहाँ पे. सो स्ट्रगल भी होता ही है जॉब्स के रिगार्डिंग? जॉब्स मिल जाती है कि स्ट्रगल करना पड़ता है हमारे जैसे कनाडा जैसे, लाइक बंदे को एक एक दो दो महीने घर पे बैठना पड़ता है क्योंकि जॉब्स नहीं मिलती? वो सिचुएशन तो भाई आपके आपसे भी ज्यादा खराब है यहाँ की. लाइक बंदे 1 से 2 महीने तक तो मिनिमम वेट करना ही पड़ता है. हाँ, अगर वो बंदा पूरा लक्की है या फिर उसका कोई रिलेटिव यहाँ पे पहले से ही है, वो अगर फाइंड करके रखे अपनी जॉब उसके लिए, तो वो बंदा सिर्फ 2 से 3 वीक्स में अपनी जॉब ले सकता है. बट अगर नॉर्मल बंदा है जिसके यहाँ पे कोई भी पहचान नहीं है, कुछ भी नहीं है, अकेला बंदा ही आ रहा है सिर्फ, तो 1 से 2 महीना तो गिन के रख ही लो. इवन मैं जहाँ पे पहले जॉब करता था वहाँ पे एक बंदे आया था, वो उसका 6 महीने से जॉब नहीं थी, वो 6 महीने से जॉब के लिए मतलब आर पार घूम रहा था. होते हैं काफी स्ट्रगल तो बहुत है जॉब में, नहीं देते पार्ट टाइम वालों को जॉब ज्यादा. सो 20 hours है वहाँ पे कि बढ़ चुका है अभी तो? हाँ, ना ना भाई, 20 hours ही है पर स्टूडेंट, ओनली 20 hours. अगर इलीगल करो तो फिर उसका पूरे सिचुएशन ही अलग है, बट अगर लीगली अगर कोई बंदा करना चाहता है तो सिर्फ 20 hours ही है. सो पे रेट कितना मिलता है आपको, लाइक पर आवर, और टैक्सेस को कट आउट करके लास्ट में कितना पड़ता है अकाउंट पे? वेल, टैक्स तो स्टूडेंट में नहीं लगता है, क्योंकि अगर आप महीने के 1000 pound भी अगर गिन के चलो कि अगर एक बंदा स्टूडेंट में कमा ले तो उसका साल की सैलरी 12,000 होगी,
और यहाँ का रूल है कि अगर किसी भी सैलरी किसी की बंदे की सैलरी 12,000 से कम हो या 12,000 हो तो उस पर कोई टैक्स नहीं लगता, जीरो टैक्स है। लेकिन स्टूडेंट तो 1,000 पाउंड तो बहुत ज्यादा मैंने बोल दिया, 850 और 900 तो कमाता है, उससे ज्यादा नहीं कमाता अगर लीगल में देखने जाए तो। और यहाँ पे घंटे के हिसाब से देखने जाए तो घंटे की यूके की अभी मिनिमम वेजेस चल रही है 10.42, वो भी एज वाइज है, अगर 18 या 16 के अंदर हो नीचे हो तो उसकी भी डिफरेंट है, और 20 और 23-24 से ऊपर हो तो उसकी भी डिफरेंट वेजेस है। अभी अगर मैं मेरी देखने जाऊँ तो मेरी 10.45 वेजेस चल होती है मिनिमम, बट फिर वो अगर जोन वाइज होता है, अगर वो बंदा जोन 1 में वर्क कर रहा है तो वहाँ वो अवरली 12.5 और 13 पाउंड भी देते हैं, वो मतलब वो डिपेंड होता है जोन वाइज और कहाँ पे आप जॉब कर रहे हो उसके डिपेंड होता है, अकॉर्डिंगली होता है पूरा। ओके सैलरी के हिसाब से सेविंग्स हो जाती है क्या? जो अपने सेम्स की फीस अपने को पे करनी है तो उस हिसाब से अमाउंट बचते हैं क्या अकाउंट में? आप बंदा अगर लीगली जॉब कर रहा है पूरा, मतलब उसका कोई और तरीका है ही नहीं जॉब करने का, तो फिर सेविंग्स नहीं होती, क्योंकि अगर बंदा 850 के आसपास कमा लेता है ठीक है, और लंदन में रहता है, लंदन में सेविंग नहीं होगी भाई, वो तो मैं बता दे रहा हूँ। अगर कोई भी बंदा इधर आने का प्लान कर रहा है तो लंदन में सेविंग नहीं होती, क्योंकि 450 तो अभी रेंट ही गिन लो, मिनिमम 450 चल ही रहा है, उस पे आप ट्रैवलिंग और एक्सपेंसेस गिन लो, फोन बिल गिन लो, सारे प्रॉपर्टीज बिल गिन लो, लाइक लाइट बिल, गैस बिल, वाटर बिल, इवन अपने आप पे भी कुछ एक्सपेंसेस तो करोगे ना, तो ज्यादा से ज्यादा 650 और 700 के आसपास तो आपकी एक्सपेंसेस जाएगी ही हो जाएगी। और अगर 850 आप कमा लेते हो तो 150 पाउंड महीने का बच रहा है, तो वो वर्थ इट नहीं है बिल्कुल भी, सेविंग्स तो नहीं होगी इतनी होगी सिर्फ। हाँ फिर अगर बंदा दो दो तीन जॉब और भी कर रहा है, लीगली इनलीगली भी कर रहा है, इवन ड्राइवर भी अभी ज्यादा बढ़ गए हैं यूके में, अगर कुछ भी नहीं मिलता तो बंदा सिर्फ ड्राइविंग करके ही पैसा कमाता है, वो टोटल इलीगल है। स्टूडेंट में अगर कोई डिलीवरी ड्राइवर कर रहा है तो वो इलीगल है, उबर इस और ओला इवन कोई भी डिलीवरी जब, तो वो इलीगल है, पर यहाँ पे बंदे करते हैं, हाँ वो कमा लेते हैं ज्यादा, वो कर भी ले, बट एक टाइप से वो इलीगल है, अगर उसमें कभी कुछ लोचा लफड़ा हुआ तो वो बंदा सीधा इंडिया जाएगा और अपनी अपनी होम कंट्री जाएगा, तो अगर अगर लीगली मान के चले तो कोई सेविंग नहीं होती है। ठीक है। अकोमोडेशन का मेरे को बताओ कि कितना पे करते हो अकोमोडेशन के लिए, और मेरे को ग्रोसरी वाइज यूटिलिटी वाइज पूरा मेरे को कैलकुलेशन दो कि पर मंथ टोटल कितना पे करते हो, और अपने फ्रेंड्स का भी बताओ कि अगर कंपेरिजन्स क्या मिलता है दोनों के बीच। मैं मेरी बात करूं तो मैं रेंट दे रहा हूँ 450, उसमें सब यूटिलिटीज बिल आ जाता है, मेरे को एक्स्ट्रा कुछ भी खर्चा नहीं देना होता है, प्लस उसमें सुबह दोपहर और कभी शाम का भी डिनर इंक्लूड होता है, मेरा फूड इंक्लूड है, मैं विद फूड में रहता हूँ 450 में, तो वो मेरा 450 रेंट हो गया। मैं 150 एक 150 अराउंड मैं मेरा ट्रैवलिंग एक्सपेंस गिन लेता हूँ, तो वो सब 600, इवन वो ग्रोसरी अगर मैं मेरे दोस्त से कंपेयर करूँ जो यहाँ पे भी विदाउट फूड रह रहा है, वो अपना 400 और 390 अराउंड वो बिल पे कर रहा है, सब उसमें सब आ जाता है, यूटिलिटीज बिल, गैस बिल, इलेक्ट्रिसिटी बिल, वाटर बिल और रेंट सब 400 में आ जाता है, और वो अपने मंथ की ग्रोसरी अगर मेरे को बताता है तो अराउंड 60 से 70 पाउंड अराउंड हो जाते हैं, 60 60 70 के अराउंड हो जाता है, और सो वो अकॉर्डिंग है तो 450 तो मिनिमम चल ही रहा है, सही सभी पे जी 450 तो चल ही रहा है कॉम्बिनेशन रेंट का। या अभी काफी स्टूडेंट्स करते कि भाई इंडिया बैठे बैठे हाउस बुक करते, अकोमोडेशन बुक करते, तो फ्रॉड का काफी सीन होता है। कुछ फ्रॉड का भी अरे सीन बहुत हुआ है क्या ज्यादा आपके फ्रेंड के साथ? मेरा फ्रेंड के साथ तो कोई ऐसा सीन नहीं हुआ है, बट मेरे को काफी कहानियां मालूम है कि फ्रॉड होने के चांसेस भाई है, बहुत है, 50% फ्रॉड चांसेस है यहाँ पे, अगर अगर बंदा इंडिया से बुक करवाते आता है तो होता ही है, काफी लोगों के साथ होता है, मैं नहीं बोलता कि नहीं होता है, काफी लोगों के साथ होता है, और इवन यहाँ पे भी अगर कोई एकोमोडेशन बुक कर रहा है तो उसके साथ भी फ्रॉड हो सकता है, और होता भी है, मेरे को काफी ज्यादा बंदों के मालूम है कि कैसे फ्रॉड होता है, इवन मैं एक बंदे की बात करूँ तो वो यहाँ पे रह रहा है, वो दो पर उस वो कपल में रह रहा है ठीक है,
उसने क्या मतलब उसने बुकिंग की, मतलब फेसबुक वो फिर फेसबुक मार्केट प्लेस और व्हाट्सएप ग्रुप में से किसी एक का नंबर उठाया, उसको कॉल किया कि भाई मेरे को रूम चाहिए, मेरे को इस तारीख को रूम चाहिए। वो बंदा बोलता है ठीक है। वो बंदा इतना जेन्युइनली बात करता है ना आपसे कि आप उस पर फिदा हो जा रहे हो कि नहीं भाई ये बंदा सही है। इवन वो अपने हाउस का पूरा फोटो इवन एड्रेस भी भेज देता है। फिर अगर आपको वो पसंद आ गया तो वो आपको बोलता है कि भाई 900 और 1000 पाउंड का है, बट आप मेरे मुझे पहले 200 और 300 अमाउंट आप मेरे को दे दो पहले एडवांस, तो मैं आपकी बुकिंग फाइनल कर लूँ। और जैसे ही बंदे ने 300 और 400 जैसे अमाउंट उसको पेड किया, वो बंदा गायब। अब वो बंदा कहाँ पे, यूके में, इंडिया में, इवन अपने गुजरात और दूसरी कोई कंट्री में, कुछ भी मालूम नहीं है। वो बंदा फिर गायब ही होता है, हो जाता है। आप इवन कुछ भी ट्राई करो, कोई भी ट्राई कर लो, वो बंदा नहीं मिलेगा आपको फिर। सो ऐसा फ्रॉड होता है। या तो काफी तो गलत बात हुई भाई, 200 पाउंड चले जाए, यहाँ पे तो मतलब 24 ही मिल रहे, ऊपर से 200 पाउंड हमारे चल रहे हैं, तो भाई पूरा बंदा क्या करे क्या क्या करे। अंधविश्वास किसी पे मत करो। हाँ भाई, यूनिवर्सिटी के बारे में बताओ, कितनी यूनिवर्सिटीज है, कॉलेज है, और अपनी यूनिवर्सिटी के बारे में बताओ कि क्या क्या कोर्स स्ट्रक्चर है, कितनी फीस पे कर रहे हो। लंदन के बारे में मेरे को ज्यादा कुछ नहीं पता, बिकॉज मेरी यूनिवर्सिटी आउटसाइड लंदन है। न्यूटन है, लाइक लंदन से 2 घंटे की बस की दूरी पर है। बट अगर लंदन में बात करें तो 17 से 18 यूनिवर्सिटीज है। और बट अगर मैं मेरे यहाँ और कहीं यूनिवर्सिटी में सेमेस्टर की सिस्टम होती है, लाइक फर्स्ट सेमेस्टर हो गया, फिर ब्रेक हुआ, फिर सेकंड सेमेस्टर। बट मेरी जो यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी ऑफ एयरफोर्स है, उसमें सेमेस्टर सिस्टम नहीं है, उसमें यूनिट वाइज है। यूनिट सिस्टम है, 6 वीक का एक यूनिट होगा, उसके बाद आपको 2 वीक्स की हॉलीडे आएगी, और फिर से 6 वीक का एक यूनिट होगा। और मेरा हफ्ते में 2 दिन यूनिवर्सिटी होता है, मंडे टू फ्राइडे में कोई भी 2 दिन आ सकता है। यूनिट वाइज वो अपना शेड्यूल चेंज करते हैं, और टाइम भी यूनिट वाइज चेंज होगा। तो हाँ, और फिर अगर मेरा 4 यूनिट है, 4 यूनिट के बाद फिर 2 मंथ्स का अराउंड बिजनेस डिसर्टेशन है, वो मेरे को कम्प्लीट करना होता है, और डेट शीट मेरा 1 ईयर का कोर्स खत्म। ठीक है, सो 1 ईयर के बाद कितने साल आप वर्क कर सकते हो, कुछ ड्यूरेशन होगा कि बंदे को इतने साल काम करना है, देन वो एक अपना पीआर के एलिजिबल हो सकता है, कुछ है क्या सीन? पीआर तो देखो यहाँ पे तो बहुत दिक्कत वाली बात है, मतलब टफ है ज्यादा। मतलब आपका कनाडा जैसा सिस्टम नहीं कि पॉइंट्स ले, नहीं। लाइक मेरा 12 मंथ्स का हो गया है, मेरा 12 मंथ का कोर्स है, तो मेरे को अराउंड 17 मंथ्स का मेरे को वीजा मिला है। मेरा वीजा हुआ था मई और जून में हुआ था, तो मेरे को जनवरी 2025 तक का मेरा वीजा है, तो वहां तक मेरा स्टूडेंट वीजा चलेगा। फिर बाद में मेरे को 2 ईयर्स का PSW मिलेगा, पोस्ट स्टडी वर्क वीजा, तो उस पे मैं फुल टाइम जॉब कर सकता हूँ। तो वो फिर मेरा 20 आवर्स का वहां से जो क्राइटेरिया रहता है वो फिर खत्म, और मेरे को फिर PSW में ही मेरा पूरा टैक्स सिस्टम आएगा, तब से मेरे को टैक्स पेड करना होगा। और वो PSW में आपका PR नहीं गिना जाएगा। लाइक यहाँ का क्राइटेरिया क्या है PR लेने का, 5 ईयर्स ऑफ तुम्हें 5 ईयर का पूरा UK का वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए। वो PSW वाला जो वर्क एक्सपीरियंस होगा, इवन स्टूडेंट का जो वर्क एक्सपीरियंस होगा, वो उसमें नहीं गिना जाएगा। आपको अगर यहाँ के PR के लिए एलिजिबल होना है, तो फिर तो वो 5 ईयर्स का एक्सपीरियंस आपको Tier 2 जॉब में लेना पड़ता है। वो क्या होता है कि कुछ कुछ ज्यादा बड़ी बड़ी कंपनियां होती है, वो आपको स्पॉन्सर करती है 5 ईयर्स के लिए, 3 ईयर्स के लिए, तो आपको उसमें स्पॉन्सरशिप जॉब करनी पड़ती है। अगर वो आप PSW में ढूंढ लो, तो बेस्ट है, स्टूडेंट के बाद ही ढूंढ लो, तो फिर वो तो आपके लिए बहुत बेस्ट है, बहुत ही बढ़िया ऑप्शन है। पर काफी बंदों को नहीं मिलती, तो वो PSW में पूरे पैसे जमा करते हैं, और फिर बाद में कोई सी अच्छी बढ़िया जॉब में स्पॉन्सरशिप ले लेते हैं। फिर आपका वो 5 ईयर्स का एक्सपीरियंस शुरू गिना जाएगा Tier 2 में। फिर आप 5 ईयर्स तक कहीं पे भी जॉब करो, फिर आप ILR के लिए एलिजिबल होगे। आपको ILR रखना पड़ेगा, और फिर उसके बाद 2 से 3 साल के बाद आप ब्रिटेन ब्रिटिश का पासपोर्ट मिल सकता है। तो काफी लंबा और काफी बहुत बड़ा प्रोसेस है यहाँ PR के लिए। तो आपने बोला कि यू लंदन में जोन वाइज पेरेट चलता है, जोन वाइज भी अकोमोडेशन का भी प्राइसेस भी हाई लो चलती होगी। हाँ, अगर मैं जिस अकोमोडेशन में रह रहा हूँ, मैं शेयरिंग में रह रहा हूँ रूम में मेरे एक बंदे के साथ, अगर मैं सेम ही सिचुएशन में अगर मैं Zone 1 में रह रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे 450 पेड कर रहा हूँ, सॉरी, तो वहां पे Zone 1 में 1000 होगा, 1200 होगा, 1300 भी हो सकता है। तो
तो वो पूरा क्राइटेरिया अलग है, क्योंकि जोन वन लाइक सेंट्रल होगा, लंदन का पूरा सेंट्रल एरिया है, वहां पे टूरिस्ट लोग आते हैं और काफी ज्यादा मतलब माहौल एकदम हरा भरा होता है, तो वहां पे एकोमोडेशन का प्राइस ज्यादा होता है, ग्रोसरीज का भी प्राइस ज्यादा होता है, यानी कि सब चीजों का प्राइस ज्यादा होता है। इवन वहां पे स्ट्रीट फूड भी नहीं मिलता है, वो भी बहुत दिक्कत वाली है। अगर जो जोन टू में आए फिर उससे कम, थ्री में कम, फोर में कम, ऐसे कम 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 हो जाता है। कितना फीस पे करते हो आप यूनिवर्सिटी में स्टडी के लिए? लाइक पर सेमेस्टर होता है कि पर ईयर होता है? क्या सीनियर होता है फीस पेमेंट के देखिए रिगार्डिंग? यूनिवर्सिटी या पे तो पर ईयर ही करना पड़ता है, वो तो क्राइटेरिया में आता है, तभी आपको वो कोर्स लेटर देंगे। बट कुछ यूनिवर्सिटी आपको अलाउड करती है कि आप 60% फीस पेड करके आओ। लाइक मेरे 13,500 जैसे पाउंड अराउंड फीस थी, तो मैंने पूरी ही पेड कर दिया, तो मेरे को अराउंड 1500 तक का डिस्काउंट भी दिया है यूनिवर्सिटी वालों ने, क्योंकि पूरी पेड थी, तो मैंने अराउंड 12,000 अराउंड पाउंड की मैंने फीस पे की है। बट अगर इनर लंदन की बात करें तो कुछ कुछ यूनिवर्सिटियों में 17 और 18 लाख का भी क्राइटेरिया आएगा। तो या मतलब 60% को आपको देना ही पड़ेगा, तभी आपको यूनिवर्सिटी वाले कोर्स लेटर देंगे, और बाकी की जो अनपेड अमाउंट है वो आपको यूनिवर्सिटी बताएगी कि आपको कब पेड करना है। कुछ कुछ यूनिवर्सिटी या तो अभी तो क्या, अभी तो वो वही बहुत चल रहा है कि यूनिवर्सिटी वाले बोलते हैं कि भाई आप आओ पढ़ो, 6 महीने बाद आप अपनी फीस दे दो। पर अगर जैसे ही बंदा यहाँ पे लैंड हुआ, यूनिवर्सिटी को मेल आया कि भाई आपको जो अपनी अनपेड अमाउंट है वो 1 से 2 महीने में पेड करनी पड़ेगी, वरना हम आपका वीजा कैंसिल कर देंगे। तो उस जगह पे बंदा पूरा ही एकदम सिचुएशन में, ऐसी से टफ सिचुएशन में आ जाता है, तो उसको इंडिया से फिर पैसे मंगाने पड़ते हैं। तो वो भी आपको एक स्टडी करना पड़ेगा कि यूनिवर्सिटी कैसी है, यूनिवर्सिटी का क्राइटेरिया क्या है, और उसका पेड अमाउंट भी वो लोग कैसे रखते हैं। या तो इवन काफी टफ यूनिवर्सिटी है वाले भी वहां पे। फ्रॉड हाँ, करते हैं। हाँ बहुत सब फ्रॉड जगह पे फ्रॉड ही है, अपने को बचना है भाई, है, कहाँ पे सब जाए कहाँ पे मत जाए। पूरा फ्रॉड चल ओके, रहा है भाई। तो अभी ट्रांसपोर्टेशन के बारे में बताओ मेरे को। लाइक बस पास यूनिवर्सिटी के फीस में इंक्लूड है? क्योंकि यहाँ पे हमारा बस पास होता है इंक्लूड। जीटी एरिया में नहीं बोला कि टोरंटो साइड बस पास अपने को नहीं लेना पड़ता, अपने को प्रेस्टो कार्ड चाहिए जो हम स्वाइप करते हैं बस पास में। बट आपका क्या सीन है? आपको भी सेम है कि कुछ खर्चा बच्चा कितना होता है? लाइक कॉस्ट कितना पड़ता है बस पास का डेली? या कुछ यूनिवर्सिटी आप प्रोवाइड करते हैं उसके उसकी कैंपस बस होती है, वो एक पर्टिकुलर एरिया से चलती है। लाइक मैं यहाँ पे रह रहा हूँ, तो यहाँ पे मेरे 2 से 3 माइल्स का दूरी पे होता है वो एरिया, वहां पे बस आती है, तो वो कुछ यूनिवर्सिटियां ही देती है। लाइक मेरी वाली अगर आप गिन लो, बेसोर यूनिवर्सिटी, तो वो ट्रैवलिंग मेरे को तो नहीं दे रही है, तो मैं अपना खर्चा खुद निकाल रहा हूँ। लाइक मेरे हफ्ते में 2 दिन हुए थे यूनिवर्सिटी के, तो 2 घंटे की दूरी है, तो आने जाने का मेरा अराउंड 9 से 10 पाउंड चला जाता है पूरा ट्रैवलिंग में। तो अगर 2 दिन के हिसाब से गिने तो 20 पाउंड हो गए, और पूरे महीने में मेरा अराउंड 90 से 100 पाउंड तक का तो हो जाता है वही एक्सपेंस पूरा ट्रैवलिंग का। और फिर बाद में अगर मैं यहाँ अपने जहाँ पे रह रहा हूँ फैमिली में, अगर मेरा उसका ही देख लो कि जॉब कहीं पे, कभी जॉब जाएंगे कभी बाहर घूमने जाएंगे, तो वो सारे एक्सपेंस गिन ले तो अराउंड 60 पाउंड वो लगता है, तो अराउंड 150 के अराउंड तो लग ही जाता है। अगर बंदा लंदन में है, लंदन में ही उसकी यूनिवर्सिटी है, तो उसके लिए बेस्ट है, क्योंकि उसके लिए स्टूडेंट पास आता है। अगर वो ट्रैवलिंग पास कराता है, लाइक रेल रेल पास कराता है, मेरा एक फ्रेंड है उसने रेल पास निकलवाया है जोन 1 से जोन 4 तक का, तो उसका 90 पाउंड महीने का आ जाता है। उसमें वो रेल भी यूज कर सकता है, ट्रेन्स और इवन बस उसमें फ्री आते हैं। बट अगर वो अगर कोई बंदा महीने का पास करवाता है बस का, जो अराउंड 66 पाउंड के अराउंड पड़ता है महीने का, तो उसमें सिर्फ बस ही आती है, वो फिर कोई भी जोन में जाए, उसके कुछ ताल्लुकात नहीं है, वो कोई भी जोन में जाए चलेगी। बट वो फिर ट्रेन नहीं यूज करता, या ट्रेन में बस इंक्लूड है बट बस में ट्रेन इंक्लूड नहीं है, मतलब यही सिस्टम है। बट ठीक है, अगर बंदा इधर है बस का पास करा है तो उसके लिए तो चीप ही है, वो भी चीप है अगर बस पास निकलवाए तो स्टूडेंट में। या अपने हिसाब से लाइक आपका अराउंड 6 मंथ हो गया, मजा आता है कि कल्चरल वाइज कैसा है लाइक यूके? और कौन सी सिटी आप प्रिफर करते हो? लाइक अगर आप एज अ स्टूडेंट अभी आ रहे, सपोज मैं 2 महीने के बाद आ रहे, तो कौन सी सिटी आप प्रिफर करते हो? और टूरिस्ट प्लेस का क्या सीन? लाइक टूरिस्ट प्लेस तो काफी है लंदन में, बट मजा आता है कि काफी एज अ काफी स्टूडेंट लाइफ जीने के लिए वहां पे?
एज ए स्टूडेंट अगर ऐसा देखने चाहिए कि आपको सेविंग्स करना है, लाइक बहुत ही ज्यादा सेविंग, कुछ कुछ बंदे होते हैं वो लोन लेके आते हैं, इवन उसकी फीस भी पेड करनी होती है, जो अनपेड होती है, तो वो बंदा पूरा स्ट्रगल एरिया में होता है। लाइक वो उसका हेडक कितना ही होता है ना कि कहाँ से पैसे है, कहाँ से पैसे है, यहाँ से आ रहे चलो ले लेता है। वो अपनी स्टूडेंट लाइफ एंजॉय नहीं करता, वो क्या कर रहा है, बंदा 2 दिन की यूनिवर्सिटी होता है, 2 दिन वो लेता है, फिर पूरा 5 दिन वो फ्री होता है, वो बंदा फुल दबा के पैसा कमाता है। लाइक वो अपने सारा लाइक टाइम ही पैसों में बर्बाद कर देता है, तो वो एंजॉय नहीं करता। बट अगर कोई बंदा है जिसको सेविंग्स की नहीं है, वो लाइक ज्यादा रिचेस्ट फैमिली से आ रहा है, उसको इवन पेड भी यूनिवर्सिटी की फीस पेड होती है, उसको सेविंग्स के बारे में कुछ ज्यादा सोचना नहीं पड़ता, वो अपने बंदा वो बंदा पूरा पूरा एंजॉय करता है। यहाँ पे 2 दिन जॉब करता है, सॉरी 2 दिन यूनिवर्सिटी जाता है, 3 और 4 दिन जॉब करता है, और महीने हफ्ते में एक बार वो लाइक फ्री होता है, तो वो पूरा एंजॉय करता है। लाइक अपने दोस्तों के साथ घूमने जाता है, पूरा अलग अलग टूरिस्ट प्लेस घूमने जाता है। लाइक यहाँ पे तो लंदन में तो काफी ज्यादा टूरिस्ट प्लेस है, लाइक लंदन ब्रिज हो गया, लंदन आई हो गया, ट्रफलगर स्क्वायर हो गया, लाइक वो चल्ला दी लबदा फिरे वाला, अच्छा शाहरुख खान की वहां पे शूटिंग हुई थी, लाइक फिर बर्मिंगम प्लेस है, और ग्रेट ब्रिटेन लाइब्रेरी भी है यहाँ पे, लाइक लंदन की सबसे बड़ी, यूके की सबसे बड़ी सॉरी। हाँ तो काफी ज्यादा टूरिस्ट प्लेस है, और अगर बार और कैसीनो तो भाई भर भर के पड़े हैं। हमारे वो इंडिया में नहीं, पानीपुरी वाले की थैलियां होती थी, हाँ यहाँ से यहाँ पे दूसरी वहां पे, ऐसे पूरा बार कैसीनो का पूरा सीन है। अगर वो कोई बंदा पी रहा है पूरा, उसके लिए तो भाई ये जगह जन्नत है, लाइक मिल जाता है, वो बंदा पूरा एंजॉय करता है। बट अगर किसी को सेविंग्स करना होता है, ज्यादा हेडेक वाला मामला है, तो वो बंदा पूरा एंजॉय नहीं करता, अपनी स्टूडेंट लाइफ पूरा सेविंग्स में ही गवा देता है। तो बस यही है दिक्कत है सभी की, यही लाइफ है। भाई मेरी बात करूँ तो भाई मेरा को इतना ज्यादा कोई टेंशन, इतना ज्यादा हेडेक नहीं है कि चलो भाई मेरे को फीस पेड करनी है, मेरे को फीस पेड नहीं करनी है, तो मैं एंजॉय करता हूँ। लाइक हफ्ते में एक ब्रेक ले लेता हूँ, उसमें माइंड फ्रेश करता हूँ, दोस्तों से मिलने जाता हूँ। इवन मैं यहाँ पे अभी मेरा हॉलीडे चल रहा है क्रिसमस में, तो मेरे को 2 वीक्स का हॉलीडे है, तो ठीक है भाई घर पे बैठे हैं गेम्स खेलेंगे, और इवन सब कल्चरल एक्टिविटी करेंगे, घूमेंगे फिरेंगे, मूवीज देखेंगे, तो ऐसे ही एंजॉय होता है, ऐसे ही लाइफ जीनी चाहिए, और ऐसे ही रहो तो बंदा आराम से हो जाए। वरना अगर कोई बंदा हेडेक में आ जाए तो भाई वो गलत कदम भी ले सकता है, और काफी बंदे ले भी रहे हैं। मैं इवन हफ्ते में 2 सुसाइड केस तो मैंने मेरे नजरों के सामने देखे, कि अपने गुजराती भाई बंदे हो जो फ्रेंड्स है वो ले रहे हैं अपने पटेल लोग, तो भाई वो पूरा सीन ही अलग है। तो या आ रहे हो तो पूरा स्टडी करके आओ भाई, यूके क्या है, यूके में लोग कैसे जी रहे हैं, ऐसे ही मुंह उठा के मट दौड़े निकलो भाई, लगा दिया थैला, वीजा मिल गया, चलो भाई यूके जाना है, लैंड करना है, दबा के पैसे कमाएंगे, नहीं कमाओगे भाई, थोड़ा जान जान कर आओ, स्टडी करके आओ यूके क्या है, अपने अगर कोई फ्रेंड रिलेटिव है तो उसके बारे में वो उन लोगों से पूछो, क्योंकि वो 2 और 3 साल के पहले पूरा सिचुएशन अलग था, और अभी सिचुएशन पूरा ही अलग है। लाइक स्टूडेंट अगर अकेला आ रहा है और उसकी फीस पेड करनी है, तो भाई नहीं होगी, वो मैं आपको बोल रहा हूँ कि नहीं होगी भाई, अगर तू अकेला आ रहा है। इवन जनवरी के बाद अब एक नया रूल भी आया है कि जो जनवरी के बाद अब जो स्टूडेंट आएंगे वो अपना डिपेंडेंट साथ में नहीं ला सकते, तो भाई उन लोगों तो पूरा क्रॉस ही हो गया। अब क्योंकि जनवरी के पहले या दिसंबर में अगर कोई बंदा आ रहा है अपनी वाइफ के साथ आ रहा है, तो क्या होगा कि वो बंदा 20 आवर्स करेगा, उसकी वाइफ फुल आवर्स करेगी, फुल टाइम 40 आवर्स, दोनों का मिला के खर्चा भी निकल जाएगा, सेविंग्स भी पूरी दबा के होगी, और उसका फीस भी पेड हो जाएगी, वो बंदा एकदम चिल होता है, वो 20 आवर्स करता है, उसकी वाइफ 40 आवर्स करती है, हो जाएगा चलो, सेविंग्स भी हो जाएगा और फीस भी पेड हो जाएगी। पर अगर अब जनवरी के बाद अगर कोई बंदा अकेला आ रहा है और उसको फीस पेड करनी है, ज्यादा करनी है, चलो 3 से 4 हजार पाउंड तक तो ठीक है, चलो बंदा कुछ भी करके लाइक अपने दोस्त से भी मांग सकता है, बट अगर ज्यादा अमाउंट पेड करनी है तो फिर थोड़ी दिक्कत वाली बात तो है भाई। अब थोड़ी बात है, अब थोड़ा स्टडी करना पड़ेगा उसके बारे में, फिर आओ। बाकी कंट्री बहुत ही अच्छी है भाई, मजा आएगा, और एकदम चीन कंट्री है। ओके, सो एट द एंड कुछ एडवाइस देना चाहता है नए स्टूडेंट्स अगर आ रहे, कि लाइक क्या क्या चीजें वो स्टडी करके, एज यू टोल्ड, सो वो भी एक मेंटली प्रिपेयर भी हो सकते हैं, लाइक फाइनेंशियल के रीते और अकोमोडेशन के। मेरे को कुछ अकोमोडेशन की वेबसाइट भी बताना, क्यों
स्टूडेंट्स कैसे अप्रोच करें अकोमोडेशन का, अगर नहीं मिल रहा है तो स्टार्टिंग के डेज में अगर वो यूके में लैंड हो रहे तो क्या करें? हाँ भाई, अगर अकोमोडेशन की अगर बात करूँ तो काफी ज्यादा है, लाइक यूनिडेज है, सॉरी यूनिडेज तो नहीं, एम्बर एम्बर डॉट कॉम करके एक यहाँ पे साइट है, वहाँ पे वो स्टूडेंट लोगों को प्रोवाइड करते हैं अकोमोडेशन। इवन अगर बंदे का यहाँ पे से वहां से भी नहीं हो रहा है तो यहाँ पे बीएनबी सिस्टम भी होता है, वो आपके वहाँ भी होगा बीएनबी सिस्टम, लाइक हफ्ते और 2 हफ्ते के लिए कहीं पे भी रूम मिल जाएगा, उसमें आपको शेयरिंग में ही रहना होगा, और उसका अराउंड हफ्ते का 100 पाउंड का चार्ज होता है, उसमें आपको खाना सब कुछ आपको बनाना पड़ता है, बट वो यूटिलिटीज बिल होता है वो सब इंक्लूड होता है, तो बीएनबी में भी रह सकते हैं। इवन अपने रिलेटिव्स के अगर कोई फ्रेंड सर्कल भी होगा यहाँ पे उसका कोई, तो उसके साथ भी रह सकते हैं, क्योंकि अगर बंदा एक बार यहाँ पे लैंड हो गया तो मेरे हिसाब से कम वो हफ्ते भर में तो वो अपना एक अकोमोडेशन ढूंढ ही लेगा, कहीं पे भी वो ढूंढ ही लेगा, किसी भी जगह पे अगर मिल 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 तो जाएगा, फिर जगह कोई भी हो कैसी भी हो उसकी दिक्कत नहीं है, बट वो अपने अपने रहने का ठिकाना है वो ढूंढ ही लेगा, अगर उस बंदे के पास पूरा अमाउंट है पैसा लेके आ रहा है तो फिर उसको कोई दिक्कत नहीं है। ओके सो कितना अमाउंट स्टूडेंट्स लेके आए यूके में, लाइक इनिशियल डे में सर्वाइव करने के लिए? अगर मैं मेरी बात करूँ, मैं सिर्फ 300 पाउंड लेके आया था, क्योंकि मेरा सिस्टम था कि मेरा वो डिपॉजिट इंडिया से ही पेड हो गया था यहाँ पे एकोमोडेशन का, और मैं रेंट भी यहाँ पे मेरा एक फ्रेंड है तो मैं उसके पास से ले लूंगा, तो वो जो मनी एक्सचेंज रेट होता है वो मेरा एकदम बच जाए, तो मैंने वैसा देखा था, तो फिर मैं पूरे 300 लेके आया था। अगर वो कोई बंदा आए उसका कुछ नहीं है, कुछ अता पता नहीं है, तो भाई 2 महीने का लेके आओ अपने साथ में, लाइक 1500 तो लेके ही आओ, क्योंकि वो ओके 2 2 मंथ्स के लिए आप सर्वाइव कर भी लोगे जैसे तैसे, अगर आपको जॉब नहीं मिलेगी और ऐसा कुछ भी क्राइटेरिया हुआ तो वो आप सर्वाइव कर लोगे 2 महीने, 2 महीने, और इवन अगर आप ज्यादा लाइक वो कैसे अभी कहीं पे घूमने नहीं जाओ और वैसे एकदम रो तो आप 3 मंथ तक भी चला लोगे, तो यार 1500 तो भाई लेके आओ। समझ गया। सो वन थिंग, मेरे को कुछ पूछना है कि कनाडा में क्या सीन है कि गवर्नमेंट क्या करती है कि जीएसटी का अपने को भरना पड़ता है $10,000। अभी तो 20,000 हो गया, बट यूके में कुछ होता है कि आपको जीएसटी भरना पड़ता है और कुछ? नहीं, जीएसटी वाले सिस्टम है ही नहीं, यूके गवर्नमेंट को कोई लोड चाहिए ही नहीं, आप अपना पैसा लेके आओ, आप फिर यहाँ पे आपका पैसा कैसे भी खर्च करो, वो जीएसटी वाले सिस्टम है ही नहीं, गवर्नमेंट यहाँ के गवर्नमेंट चाहती नहीं कि आप हमारे थैले में पैसे डाल फिर हम आपको दो, नहीं भाई तुम यहाँ पे अपना अपने तरीके से कुछ भी लेके आओ, हमें घंटा फर्क नहीं पड़ता वही सिस्टम पूरा है, जीएसटी के पूरा सिस्टम में ही आत्मनिर्भर है, बन के आओ भाई, खुद ही पैसा लाओ, पूरा ही खुद ही कमाओ, आत्मनिर्भर, खुद ही अपना खाओ। मोदी वाला सिस्टम यहाँ पे भी चल रहा है, क्योंकि यहाँ की सरकार भी इंडियन की सरकार ही है ऋषि अच्छा सुनक जी की, तो आत्मनिर्भर ही बन के आओ, कोई जीएसटी वीएसटी कोई लोचा लफड़ा नहीं है, 17 से 18 लाख की गिनती रखो, 20 लाख की गिनती रखो, यहाँ पे आओ पढ़ो और फिर अपने अपने अपना देख लो। ओके, थैंक यू फॉर ज्वाइन द कन्वर्सेशन वंसिल, काफी मजा है आपके साथ बातचीत करने के लिए। और गाइस, दीज आर द ऑल द थिंग्स जो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यूके में बारे में, क्योंकि काफी स्टूडेंट्स को पता नहीं चलता कि यूके का क्या सीन है। जो जो स्टूडेंट्स अभी यूके में है, जो ऑलरेडी 6 महीना हो गया बंदे का, सो अपना एक एक्सपीरियंस बता सकता है कि यूनाइटेड किंगडम में ये सीन है। सो अगर आपको कुछ भी क्वेरी हो, कुछ भी डाउट्स हो, तो गाइज आप मेक श्योर आप कॉमेंट करें, लाइक करें, और मेरे को आप इंस्टाग्राम में भी अप्रोच कर सकते हैं। सो गाइज थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग द कन्वर्जेशन, काफी मजा है। और थैंक, मैं क्या करूंगा, बंदे का मैं आपको इंस्टाग्राम आईडी दे दूंगा, अगर कुछ भी क्वेश्चन हो, कुछ भी अपने लोगों को कुछ भी क्वेश्चन हो, वो बंदा आपको डायरेक्टली अप्रोच कर देगा। सो आप उसको भी मैसेज कर सकते हो। सो गाइज थैंक यू फॉर थैंक ज्वाइनिंग द स्ट्रीम, थैंक यू ज्वाइनिंग द कन्वर्जेशन वंसिल, काफी मजा आपके साथ बातचीत यू, करने में। और गाइज ऐसे ही मी गाइज लाइक करे, सब्सक्राइब करो, चैनल को कॉमेंट करते रहे। थैंक यू गाइज। टू ब्रो।